ये आप सभी को पता होगा कि जेई एडवांस के रैंक से आपको IITs मिलती हैं और जेई मेंस के रैंक से आपको IIIT और NIT मिलती हैं। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो IIT सबसे ऊपर आती हैं। सभी बच्चों की पहली प्रेफरेंस IITs ही होती हैं, लेकिन यार IIITs और NITs को लेके कई बार हमें कन्फ्यूज़न होता है कि इन दोनों में हमें क्या चूज़ करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही रहेगा। अगर मैं बात करूँ NITs की, तो इंडिया में अभी टोटल 32 NITs हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस से लेके टेक्सटाइल इंजीनियरिंग तक बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं। मोस्ट ऑफ द NITs काफ़ी पुरानी हैं और इनको गवर्नमेंट से अच्छी खासी फंडिंग मिलती है, यही रीज़न है कि इनकी फीस IIITs के कंपैरिजन में कम है। NITs की ब्रांड वैल्यू और पॉपुलैरिटी भी IIITs से ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें IIITs की, तो इंडिया में टोटल अभी 26 IIITs हैं, जिसमें आप जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी की ग्रोथ और उसके बढ़ते डिमांड को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने IIITs को एस्टेब्लिश करने का फैसला किया था, यही रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द IIITs में आपको सिर्फ CSE, IT और EC जैसी ही ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, जिससे कि इनका एवरेज पैकेज NITs और IITs के कंपैरिजन में काफी ज्यादा चला जाता है। IIITs थोड़ा एकेडमिक ओरिएंटेड होती हैं। लास्ट में यही कंक्लूजन निकलता है कि ये दोनों बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आपको CSIT जैसी ब्रांचेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको IIITs चूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोडिंग एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। और अगर अभी आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो आपको NITs चूज करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा।